नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं प्रणंद। राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल मिलने के बाद कल देर रात ही शरण कुशवाहा नवादा पहुंच गए और आज वे अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर उनका स्वागत किया गया, जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की, उनके साथ गठबंधन के विभिन्न दलों के कुछ नेता भी उस दौरान मौजूद थे और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, जिलाध्यक्ष उदय यादव तो थे। तो क्या वहां का माहौल रहा, चलिए आपको लिए चलते हैं राजद कार्यालय नवादा, वहां का माहौल आपको दिखाते हैं और जो जिला अध्यक्ष और सरवण कुशवाहा ने कुछ बातें कही है वो भी हम आपको सुनाते हैं। चलिए राजद कार्यालय लिए चलते हैं। उससे पहले एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कार्यालय में नवादा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यकारिणी, प्रखंड कार्यकारिणी, पंचायत कार्यकारिणी और बूथ लेवल तक के सभी लोगों को जिला कार्यालय के माध्यम से बुलाया गया है, क्योंकि चुनाव लोकसभा का होना है और हम सभी लोग बैठ करके आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा दिए गए प्रत्याशी नवादा जिला में आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी को हम लोग समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल संगठन बेस पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल का हरेक कार्यकर्ता आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नेता मानते हैं, इसलिए उनके द्वारा भेजे गए प्रत्याशी आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी का और महागठबंधन के द्वारा जो भेजे गए प्रत्याशी आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी का हम लोग नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल संगठन कोटि कोटि बधाई देते हैं और नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल संगठन इनको मजबूती से चुनाव लड़ाने का दृढ़ संकल्पित है और हम लोग आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को भी बधाई देते हैं कि आपका जो निर्णय नवादा जिला में हुआ है उस निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं, जो महागठबंधन परिवार का निर्णय हुआ है उस निर्णय का सम्मान करते हैं। यहाँ हमारे कांग्रेस के भी नेता बैठे हुए हैं, हमारे सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, कांग्रेस, आप पार्टी सभी लोगों का नेता बैठे हुए हैं, इसीलिए हम सभी लोग मिलकर के आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से तमाम नवादा जिले वासियों को ये निवेदन करते हैं कि आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी 2024 लोकसभा के लिए प्रत्याशी पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, इन्हें हम सभी लोग मिल करके हम लोग पूरी तरह से मदद करें। हमारे आदरणीय नेता राजवल्लभ प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेत्री माननीय विधायिका विभा देवी जी, माननीय मोहम्मद कामरान जी, हमारे प्रकाश वीर जी, हमारे आदरणीय नेता विनोद यादव जी, सभी लोगों का हमारे राष्ट्रीय जनता दल सम्मान करती है। आदरणीय महिला विधायिका हमारी कांग्रेस की माननीय नीतू देवी जी, सभी लोगों ने मिल करके आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, जो हमारे जिला के गार्जियन हैं, उनके नेतृत्व में श्रवण कुशवाहा जी को नवादा जिला का प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए सभी लोग हमारे गठबंधन के जितने भी मजबूत साथी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी हो, वगैरह वगैरह जितने भी हमारे साथी बड़े लीडर्स हैं, सभी लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया।
इसलिए तमाम नवादा जिला वासियों से हम ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता और हमारे प्रत्याशी पर आप सभी लोग भरोसा कीजिए। और एक बार भरोसा कीजिए, हम लोगों का राजनीति करने का जो तरीका है, आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी का जो राजनीति करने का तरीका है, वो गरीबों से स्टार्ट होगा। हम लोग सबसे पहले वृद्धा पेंशन गांव-गांव में जाकर गरीबों को बनवाएंगे, सबसे पहले इंदिरा आवास लोगों को बनवाएंगे, सबसे पहले गरीबों की समस्या पे हम लोग विचार करेंगे। और हमारा चुनाव लड़ने का जो है तरीका बिल्कुल अलग होगा। हम लोग सब गरीब पार्टी के लोग हैं, हम लोग चंदा बिहरी से चुनाव लड़ने वाले पार्टी के लोग हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन होगा कि सभी लोग मिलकर सहयोग करें। और जो बाहरी ताकत नवादा जिला में 15 सालों से अकड़ दिखा रही है और आती है समय पर चले जाती है, उसका हम लोग डटकर विरोध करेंगे। आप सभी लोग मिल करके आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी को चुनाव में जिताइए और हम लोग नवादा जिला का विकास करेंगे।